नमस्कार, बिंद भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिफ्ट बंद होने से विधानसभा अध्यक्ष नाराज हुए। दरअसल एक घायल मरीज को देखने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम संजय गांधी अस्पताल गए हुए थे। लिफ्ट बंद होने से डॉक्टरों के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष नाराज हो गए और सीढ़ी से चढ़कर सेकंड फ्लोर पहुंचे, जहां घायल को देखने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टरों को निर्देश दे दिया गया है, जल्दी ही लिफ्ट को चालू किया जाएगा। वहीं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक ने मीडिया से कहा कि जांच की जा रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसको निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ की जैसे लिफ्ट बंद निरीक्षण करने मैंने नहीं आया था, किसी कार्यकर्ता का दुर्घटना हो गई, मैं उसको देखने आया था। लिफ्ट बंद है लाइट के कारण, लाइट अभी चली गई है, इसीलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ। अभी आपके सामने बोल रहा हूँ कि दो डीजी का इंतजाम करो, प्रस्ताव दो, हम लगाते हैं ना, हम व्यवस्था करेंगे उसकी। पैसे की कमी है तो हम पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। अभी उन्होंने दो जनरेटर का प्रस्ताव बोला है कि बना के दीजिए। कभी कभी लिफ्ट ऐसी कुछ वो होती है कि कभी कभी लिफ्ट लोड नहीं ले पाती है, तो इसलिए लिफ्ट आज बंद थी। अभी हम प्रस्ताव देंगे और समीक्षा करेंगे इसकी कि आखिर क्यों लिफ्ट बंद थी इसी समय, क्योंकि जब बाकी तो 22-23 घंटे चालू रहती, इसी समय क्यों बंद थी, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। जनरेटर तो ऑलरेडी पहले से है, जनरेटर है पहले से, लेकिन वो पुराने हो गए हैं, क्षमता शायद उनकी उतनी नहीं है, क्योंकि जनरेटर जीवन रक्षक दवाइयों उपकरण में लगे हुए, जीवन रक्षक उपकरण जो चल रहे हैं उनमें लगे हुए, इसलिए इस तरफ शायद उनका कनेक्शन नहीं है। तो एक लिफ्ट में कम से कम कनेक्शन हो, ऐसा कि VIP या ऐसा पेशेंट या डॉक्टर ऐसा जा सके, इसके लिए हम समीक्षा करने अभी तुरंत जा रहे हैं। जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई की जाएगी 100%। ICU में रखा गया है, बाकी सुविधा अच्छी है। प्रशांत पांडे जी हैं, उन्होंने अच्छी मदद करी भर्ती कराने में, उसके बाद अच्छी देखभाल चल रही है। उम्मीद है कि अच्छा मेडिकेशन होगा यहाँ पे, जिससे कि उनकी हालत में जल्दी सुधार आ जाए। जी हम बनपाड़र के हैं रहने वाले, हमारे ससुर जी हैं, ये नहीं, ये मऊगंज के पास में है, मऊगंज में ही एक ट्रक द्वारा एक्सीडेंट हुआ है ये। तो माननीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो आए और उन्होंने ध्यान रखा, तो यही है उनकी हालत का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी मेरा नाम अमित मिश्रा है, मैं उनका दामाद हूँ।